न्यूज, पहली नजर हर खबर। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा से कोयले की बोरियों के नीचे ट्रक में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद हुई है। इज्जतनगर पुलिस ने 448 पेटी शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बिहार में शराब पर पाबंदी है, जिस वजह से हरियाणा से अवैध तरीके से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। थाने में रखी शराब की पेटियां हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि इज्जतनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा से एक ट्रक में बरेली होते हुए बिहार शराब ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर घेरेबंदी कर विलय धाम के पास ट्रक को रुकवा लिया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान थी। ट्रक में बोरियों के अंदर कोयला भरा हुआ था और उसके नीचे शराब की पेटियां रखी हुई थीं। पुलिस ने ट्रक में से एक 448 पेटी शराब की बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी का कहना है कि बिहार में शराब पर पाबंदी है, इसलिए हरियाणा से बिहार में अवैध शराब की तस्करी होती रहती है। पुलिस ने पहले भी कई बार बिहार ले जाई जा रही शराब बरामद की है। और थाना इज्जतनगर पुलिस ने कल एक सराहनीय कार्य करते हुए एक ट्रक पकड़ा, जो कि मुखबिर की सूचना पे आधारित ऑपरेशन था। उस ट्रक से 448 पेटी शराब पकड़ी गई, जो हिसार हरियाणा से लाई जा रही थी और बिहार ले जाई जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो राजस्थान का रहने वाला है वो गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति उसमें से फरार हो गया था, उसकी डिटेल्स हमें मिल गई है। इस चेन में और कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में विवेचना में हम लोग पता लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं उसके बारे में जानकारी करके और लोग इसमें प्रकाश में आएंगे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। जो इसकी मार्केट वैल्यू है यहाँ पे वो लगभग 16 लाख रुपए है और ये बिहार ले जाई जा रही थी। चूँकि बिहार में शराबबंदी है तो वहाँ और कई गुने मूल्य में ये बिकती। इस तरह थाना का ये सराहनीय कार्य रहा है और विवेचना में हम लोग, जैसा मैंने बताया, जहाँ से लाई जा रही थी, किसके द्वारा ये सप्लाई की गई थी और इस नेक्सस में कौन कौन लोग हैं, इस पे विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जो था कोयला लोडेड ट्रक में ये पूरा माल छुपा के लाया जा रहा था और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरह की सिमिलर मोडस ऑपरेंडी जो है इन शराब तस्करों द्वारा अपनाई जा रही है, जिसमें किसी अन्य सामान के पेपर्स होते हैं उसमें लोडिंग किए और साथ ही साथ उसमें कंसील करके। कई केसेस में हम लोगों ने देखा है कि ट्रक में कैंटर में अलग से स्लॉट बनाते हैं, जो अमूमन पता नहीं चलता है, रूटीन अगर चेकिंग की जाए तो उसमें पता नहीं चलता है, उसमें कई स्लॉट गोपनीय स्लॉट बना देते हैं, उसमें भी शराब रख के तस्करी करते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक इनपुट थी जिस पर पुलिस ने कार्य किया और ये सफलता मिली। आजाद नेशन न्यूज, पहली नजर हर खबर।